सीबीआई ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से की है। दरअसल कोर्ट में सीबीआई ने केजरीवाल की हिरासत की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को हिरासत की इजाजत दी थी। हिरासत में लेने के बाद सीबीआई ने कोर्ट के अंदर ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी है। सीबीआई ने कहा है कि हम जुलाई तक जांच पूरी करेंगे। वहीं गिरफ्तारी के बाद सीबीआई मुख्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में बिगड़ी अरविंद केजरीवाल की तबीयत। शुगर कम होने जैसी शिकायत मिली है। दूसरे कमरे में ले जाए गए अरविंद केजरीवाल, आज ही सीबीआई ने केजरीवाल को किया है गिरफ्तार। तो शुगर लेवल कम होने की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। सीबीआई मुख्यालय पर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। सीबीआई अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मुख्यालय लाएगी, इसलिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि केंद्र दिल्ली की केजरीवाल सरकार को काम नहीं करने दे रही है। सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ। सरकार बन गई उनकी, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जनता का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, उनको सही शिक्षा कैसे मिले और सुविधाएं कैसे मिल पाएं, वहीं केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है, उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है।